आज मैं प्रो मैकेनिकल मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर लेके हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यह टॉपिक जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से है। और यही टॉपिक जनरली सभी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हो या फिर हमारे और साथी जो AMI कर रहे हों या फिर हमारे स्टूडेंट साथी जो BTech कर रहे हों, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इनकोर्स मटेरियल भी है और हमारा साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव मटेरियल भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इसलिए चाहे वो IAS, GATE, UPSC, PCS जो हमारे इंजीनियरिंग से अगर हमारे साथी स्टेट बोर्ड स्टेट सर्विसेज के लिए अगर अप्लाई करें तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये टॉपिक मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथियों देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है बीम। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो बीम सेलेक्ट किया है और बीम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है। तो साथियों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बीम होती क्या है। जनरली हमारे जितने भी चाहे हमारे जो ये सिविल स्ट्रक्चर्स हों या हमारी मशीन के स्ट्रक्चर्स हों और जनरली और भी हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें बीम का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर पड़ने वाले जितने भी लोड हैं वो बीम से ही सपोर्टेड किए जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा बीम की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि बीम जो एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर लगने वाले सारे लोड्स मोमेंट कपल उसके आप देख सकते हो। जैसे ये बीम मैंने इसमें ड्रॉ की है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये क्या है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होने वाले प्लेन्स में अगर वो हमारे चाहे वो लोड्स हों चाहे वो कपल हों चाहे वो एंगुलर लोड्स हों उससे अगर पास हो रहे हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर होगी, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से वो प्लेन पास होना चाहिए तो वो स्ट्रक्चर मेंबर हमारा बीम कहलाएगा। अगर हम मोटा मोटा अगर देखना चाहें, अगर हम जनरली देखना चाहें तो बीम वो स्ट्रक्चर है जिसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर लोड भी लग रहा हो तो भी वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो अब बीम को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो उसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बीम में क्योंकि इसे सारा का सारा लोड वहन करना है, उसे सारा का सारा लोड अपने ऊपर झेलना है तो उसके लिए सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें बीम में आगे बढ़ने से पहले टाइप ऑफ सपोर्ट, उस पर कितनी तरह की सपोर्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो साथियों और जो सपोर्ट हमारी जो होती है वो तीन तरह की होती है, उनको जो कैटेगराइज किया जाता है उस पर लगने वाली रिएक्शंस के आधार पर उसे सब कैटेगराइज किया जाता है। वो टाइप ऑफ रिएक्शंस के आधार पर उन्हें सपोर्ट उन सपोर्ट्स को कैटेगराइज यानी कि क्लासीफाई किया जाता है। तो तीन तरह की सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, हिंज्ड ऑब्लिक पिन सपोर्ट या फिर फिक्स्ड भी बोल सकते हैं या फिर इनबिल्ट सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो रोलर सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जिस पर जो रिएक्शन डेवलप होगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्टिकल रिएक्शन होगी और वो वर्टिकल रिएक्शन को ही झेल पाएगा। तो इट कैन सपोर्ट ओनली वर्टिकल रिएक्शन। और इसको जो जब भी हमारा जब डायग्राम बना होगा तो जनरली इसे व्हील्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पर जो लगने वाले जो रिएक्शन होगी हमेशा इस बीम के क्या होगी, 90 डिग्री होगी यानी वर्टिकल होगी। तो ये हमारा क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे चाहे मोटरसाइकिल व्हीकल हो कोई भी व्हीकल हो उस पर लगने वाले पहिए पर जो भी रिएक्शंस डेवलप होंगी वो वर्टिकल होंगी और रोलर सपोर्ट के वो प्रदर्शित करती है, इसलिए उस पर ये रोलर सपोर्ट का एग्जाम्पल है। हिंज्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट पर का जो हिंज सपोर्ट जो है एंगुलर रिएक्शन को भी मतलब वर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी झेल सकता है और दोनों का हम कॉम्बिनेशन फैक्टर है तो एंगुलर रिएक्शन आएगा। तो हिंज सपोर्ट जो है एंगुलर रिएक्शन को भी झेल सकता है, उसको डिनोट इस तरह से किया जाता है। और बीम के डायग्राम में ऐसे एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है, ये बीम हो गई और ये हिंज सपोर्ट का हो गया नोटेशन। और इस पर लगने वाली जो रिएक्शन डेवलप होंगी अगर हमारा लोड अगर एंगुलर है तो इस पर एंगुलर रिएक्शन ये झेल सकता है। लेकिन रोलर सपोर्ट में क्या था, एंगुलर अगर हम लोड लगाएंगे तो ये वर्टिकल रिएक्शन ही डेवलप होगी इस पर, इसके लिए हमें हिंज सपोर्ट दूसरे एंड पर लगानी पड़ेगी। तो हिंज सपोर्ट का काम क्या है, एंगुलर रिएक्शन को भी ये झेल सकता है। तो तीसरी और एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट आती है जो बीम्स में जनरली यूज की जाती है, वो उसे बोलते हैं फिक्स सपोर्ट या इनबिल्ट सपोर्ट। और इसकी खासियत ये होती है कि एंगुलर रिएक्शन तो ये झेल सकता है यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंगुलर रिएक्शन में आ गए, साथ ही साथ ये कपल और मोमेंट को भी झेल सकता है। इसको जनरली बीम्स में इस तरह से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट हो गई, ये बीम हो गई हमारी। दूसरा इसका नोटेशन इस तरह से भी है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और तीसरा हम अगर हम लोड्स की बात करें, इस पर लगने वाले लोड्स कैसे होंगे, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और साथ के साथ ये मोमेंट या कपल को भी झेल सकता है, बियर कर सकता है। तो इस तरह से हमारी टाइप ऑफ सपोर्ट हो गई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम क्या होती है।
तो हम टाइप ऑफ बीम देखते हैं। टाइप ऑफ बीम जो होती है वो दो तरह की होंगी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और दूसरी होगी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। हम दोनों में अंतर क्या है पहले तो हमें ये जानना चाहिए। और टाइप ऑफ बीम हमारे लिए इसलिए जरूरी है, अगर हम उसका आगे जैसे हमारे और भी टॉपिक आते हैं, चाहे वो शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम हो या बीएम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो या फिर डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमें अगर निकालनी हो और दूसरा डिफ्लेक्शन स्लोप और ये सब हमें निकालना हो, या मैकॉली मेथड या डबल इंटीग्रेशन मेथड या एरिया मोमेंट मेथड भी हमें यूज करके डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालना, तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ बीम जानना जरूरी है। तो ये दो तरह की मैंने आपको बताई, एक डिटर्मिनेट और दूसरी इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट बीम वो बीम्स होती हैं जो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो तीन हमारी जनरल इक्वेशन होती है फोर्सेस की, सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो मतलब उस पर लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो समेशन होगा वो जीरो होगा, उसका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। ऐसी सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, बीम पर लगने वाले सारे वर्टिकल फोर्सेस का जो समेशन होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तीसरा सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो मतलब उस पर लगने वाले कपल्स और मोमेंट्स का भी एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। अगर हमें ये तीन इक्वेशन अगर हमें उसकी बीम की कंप्लीट एनालिसिस के लिए सफिशियंट है तो वो हमारी बीम क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेट बीम। इसको आप एक बार ध्यान से सुने, ये तीन इक्वेशन सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, ये तीन इक्वेशन अगर इसकी कंप्लीट एनालिसिस के लिए, किसी बीम की एनालिसिस कंप्लीट एनालिसिस के लिए अगर ये सफिशियंट है तो हमारी बीम क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेट बीम कहलाएगी। और ये डिटर्मिनेट बीम जनरली जो हम पढ़ते हैं वो तीन तरह की हमारे इसमें आती है और जो कि अप्लाई भी होती है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो सबसे पहली जो बीम है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें आप देख सकते हैं इसमें दो सपोर्ट होते हैं, एक हिंज सपोर्ट होगा और दूसरा रोलर सपोर्ट होगा। दोनों रोलर सपोर्ट भी हो सकते हैं अगर हमारे सारे फोर्सेस कैसे हैं, वर्टिकल हैं तो। लेकिन अगर हमारा कोई अगर एंगुलर फोर्स आ गया तो उसके लिए हमें हिंज सपोर्ट देना जरूरी है। हिंज सपोर्ट का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हिंज सपोर्ट उस तरह से होगी जैसे हमारे जो दरवाजे होते हैं उनमें जो कब्जा लगा होता है उसे हम हिंज्ड बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, तो वो हिंज सपोर्ट का एग्जांपल है। दूसरा है हमारा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जिसमें एक सपोर्ट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, इनबिल्ट होता है, दूसरा सपोर्ट कैसा होता है, फ्री होता है, एक एंड इसका फ्री होगा एक एंड इसका फिक्स्ड होगा, वो कैंटिलीवर बीम कहलाएगी। और तीसरी होती है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में सपोर्ट दो ही होंगे लेकिन उसमें बीम क्या होगी, वन साइडेड या तो ओवरहैंग होगी या फिर दोनों साइड से ओवरहैंग होगी। तो ये तीन बीम्स जो है डिटर्मिनेट बीम कहलाएंगे। इसमें हमें आपको ध्यान रखना है कि सिंपली सपोर्टेड में दोनों रोलर सपोर्ट या एक हिंज सपोर्ट हो सकता है या दोनों हिंज सपोर्ट भी हो सकते हैं, और कैंटिलीवर बीम में एक फिक्स सपोर्ट होगा दूसरा फ्री एंड होगा, और ओवरहैंगिंग बीम में ये दोनों सपोर्ट हमारे हिंज सपोर्ट या टॉलर सपोर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि या तो वन साइडेड हैंग होगी या टू साइडेड हैंग होगी, लेकिन होंगी सिर्फ दो ही सपोर्ट। तो इस तरह से हमारी ये तीन बीम जो है इन तीन इक्वेशंस की सहायता से कंप्लीट एनालाइज की जा सकती है। उसके हम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये सब हम इन तीन इक्वेशंस की सहायता से निकाल सकते हैं। अब आती है हमारी दूसरी टाइप की बीम, इंडिटर्मिनेट बीम। तो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन थी सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा बी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो सफिशियंट नहीं होती है इसकी कंप्लीट एनालिसिस के लिए। और इसकी कंप्लीट एनालिसिस के लिए हमें अदर फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, जैसे उसका डिफ्लेक्शन हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी है उसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितने पैरामीटर्स हमारे लिए सफिशियंट होंगे उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर उसकी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस और भी तरह की इसमें, मतलब इन तीन इक्वेशंस के अलावा इन एनालिसिस की भी आवश्यकता पड़ती है। और वो जो बीम होती है वो दो तरह की होती है, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम या इनबिल्ट बीम, जिसे जनरली इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ये दो इसके वो नोटेशन हो गए। और दूसरी होती है कॉन्टिन्यूस बीम। अब मैं इनके एग्जाम्पल आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर हमारा कोई मशीन का स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई हमारी बीम है कम्प्लीटली और वो जो है दो रोलर सपोर्ट के बीच में अगर है मशीन, जैसे हमारे अगर वो रोलिंग वाले बियरिंग पर अगर हमारी कोई शाफ्ट सपोर्टेड है तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल हुआ। कैंटिलीवर बीम का आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे छतों से या फिर हमारे और भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एक तरफ से क्या कर दिया जाए, फिक्स्ड कर दिया जाए, या हमारी छतों पर जो वो होती है बालकनी का जो वो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से मतलब ये एंड उसका क्या फिक्स है, ये क्या फ्री है, इस तरह से वो कैंटिलीवर का एग्जांपल है। ओवरहैंगिंग का एग्जांपल इस तरह से हो सकता है,
अगर हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर हमारा जो सपोर्ट है वो उसके फ्री एंड से कुछ दूरी पर है तो ओवरहैंगिंग बीम का एग्जांपल होगा। इंटरमीडिएट बीम का एग्जांपल जो भी हमारे जो छतों में रूफ्स में जो गर्डर्स लगे होते हैं वो फिक्स्ड बीम का एग्जांपल है, ठीक है। और भी अगर हमारा लेंटर के द्वारा अगर कोई बीम बनाई गई तो वो भी फिक्स्ड बीम का एग्जांपल होगी। और कंटीन्यूअस बीम का एक जो एग्जांपल होता है वो जैसे हमारे जो ब्रिजेज होते हैं, चाहे वो कैसे भी ब्रिजेज हो, अगर उसमें दो से ज्यादा का सपोर्ट अगर बीच में दिए गए तो हमारा वो जो एग्जांपल होगा वो कंटीन्यूअस बीम का होगा। इस तरह से मैं इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे वीडियो को समराइज करना चाहूंगा कि आज हमने देखा कि बीम क्या होती है, फिर हमने उसके बाद देखा कि उसमें लगने वाली जो सपोर्ट जो यूज होती है वो कितनी तरह की होती है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ बीम क्या होती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जिस भी उस पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक है, या फिर उसकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो हमारे थर्ड सेकेंड ईयर में आती है, थर्ड सेमेस्टर में, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक है वो भी आप अगर मुझसे अगर जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।